41 बच्चे जॉन्डिस का शिकार हो चुके हैं यहाँ पे और एक की जान भी जा चुकी है। ये जो पानी दिखा रही है कैमरे के सामने दिखाई है, ये पानी जी, ये पानी हॉस्टल में आ जा रहा है, ये पानी आ रहा है हॉस्टल में। ये देखिए, इस बच्चे पी के बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? काफी बच्चे हमारे आईसीयू में बैठे हैं इस समय, एक बच्चे की जान चली गई, इससे आगे और क्या हो सकता है? प्रशासन, नोनी यूनिवर्सिटी आपकी सुन नहीं रहा है? नहीं सुनती, क्या करे? ये पानी है, दवाइयां इनके पास पूरी नहीं है, दवाइयां पूरी नहीं देते, कुछ भी हो एजिथ्रोमाइसिन पकड़ा के दे देते हैं। अब गले का दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल का क्या काम होता है? पैरासिटामोल कौन देते हैं? डाइक्लोफेन देते हैं, हमारे को पैरासिटामोल दी जाती है यहाँ पे। आप अपना नाम बताएं। कृतिका शर्मा, फर्स्ट ईयर। क्या मुद्दा है बोलिए, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा पानी का है और दवाइयों का जी। मैं यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट, पहले हफ्ते बीमार मैं गई एक बार, नहीं दवाइयाँ दे दी इन्होंने, तीन दवाइयाँ देते कि इनके दो यहाँ से और एक बाहर जाके ले लो। दवाइयाँ ली, बस उसमें भी दर्द हुई, फिर अगले दिन फिर गई मैं यहाँ पे, फिर वैसे ही। अभी तक नॉन यूनिवर्सिटी में कितने जॉन्डिस के केस आ चुके? मे बी 200 से ऊपर तो आ ही चुके अभी तक। कितनी रिपोर्ट की कॉपी है सर हमारे पास जॉन्डिस से जो बच्चे हुए, और ये विदिन अभी 1 or 2 months से पहले की ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं, जनवरी से रिपोर्ट है सर। ये तीन बच्चे आईसीयू में है और उसके लिए भी ये कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, ना पानी, बोलते सर्विसिंग करवा दिया है। हमारी सर्विस हुई है कूलर्स की पिछले साल और उसकी 6 महीने बाद होनी थी, वो अब तक सर्विस नहीं। नॉन यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से आपकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई? नहीं है, हुई नहीं है, हुई नहीं हुई। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया? वो आए बस बोलता है हम तो सारी दवाइयां दे रहे, एक दवाई नहीं, परसों मैं दवाई लेने गई, बोलते बाहर से लेके आओ एक दवाई अंदर, सिर्फ पीसीएम एजिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा के लिए लड़कियों को यूटीआईज हो रही है और जॉन्डिस दोबारा हो रहे हैं बच्चों को, क्या कर रहे हैं हेल्थ सेंटर वाले? आईसीआर से आए हैं हम लोग, आईसीआर फंड्स भेजती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं आईसीआर के? आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनके SWO सर ने बताया कि हम करेंगे, 3 महीने का टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता, मे भी मैं सॉरी बोलती हूँ, पर अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो भी वो ऐसा ही बोलते कि वो 3 महीने का टाइम लेंगे या इतना टाइम लेंगे या हम देखेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस हमें यही कहना चाहेंगे प्रशासन को और नॉन यूनिवर्सिटी। प्रशासन का ये है कि वो सिर्फ हमारे से फीस ले रहे हैं, बच्चे 70,000 फीस ले रहे हैं, उनको सोलर मैस बनानी है, उनको लॉन्ड्री बनानी है, उनको ये नहीं देखना है कि उनका पानी साफ है नहीं है, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। बस बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पर कोई SWO में बस बोलते हैं एप्लीकेशन लिख दो हो जाएगा। हमारे पास बहुत साल पहले, मतलब 2018 से आई हूँ मैं यहाँ पे, तब से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस बोलते हैं, आप जो स्लोगन दिखा रही है इसमें क्या स्लोगन नहीं है? ये पानी उबाला हुआ पानी की फोटो है, ये उसके बाद से जो पीने का पानी है, ये सब पीने का पानी जिसकी बोले 3 दिन पहले सर्विसिंग हुई है सर, कूलर ठीक हुआ है उसके बाद की है सर पानी। कब से आपको ये नॉन यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है सर? प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से जब से हम लोग आए हैं यहाँ।